हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इनकम टैक्स का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे आज हम पर्सन के डेफिनेशन को कवर करेंगे, पर्सन के बारे में जानेंगे। क्योंकि देखिए, जब हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि इट इज़ चार्ज्ड ऑन एवरी पर्सन के ऊपर वो चार्ज किया गया है। अब एवरी पर्सन की जो डेफिनेशन है, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? क्या सिर्फ हम और आप जैसे जो है जो जी रहे हैं, जो व्यक्ति हैं, सिर्फ वही आते हैं, या फिर जो है कंपनी, फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स, इन सबको भी इसमें पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है? ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है इनकम टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है एक शॉर्ट नोट के लिए कवर किया जा सकता है, उससे ज़्यादा इसकी वेटेज बनने के चांसेस कम है। लेकिन अगर आप ऐसा कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर इसका एक क्वेश्चन आ सकता है जो कि ऑब्जेक्टिव में आपका बन सकता है। तो उस लिहाज से इसका जो वेटेज है 5 से 6 मार्क्स से ज़्यादा का बनता हुआ नज़र नहीं आता है। लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा बेसिक टॉपिक है, तो इसीलिए सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखते हुए इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज जो है आपका बेसिक करके इसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सन जो है डेफिनेशन आपकी बताई गई है सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 31 में। अब SSC का जो डेफिनेशन है वही जो है एक तरीके से लीड करता है आपका डेफिनेशन ऑफ पर्सन को, क्योंकि एज द फॉर्मर इज क्लोजली कनेक्टेड विद द लेटर। क्या बोला गया है कि जो पर्सन की डेफिनेशन है एंड जो SSC की डेफिनेशन है ऑलमोस्ट एक तरीके की ही है, एक ऑलमोस्ट जो है ये एक दूसरे को मैच करती है। द टर्म पर्सन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। द चार्ज ऑफ इनकम टैक्स इज ऑन एवरी पर्सन। क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना पर्सन की डेफिनेशन? क्योंकि जो इनकम टैक्स है वो चार्ज होता है किस पे? एवरी पर्सन पे। द डेफिनेशन इज इंक्लूसिव। अब यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन इंक्लूसिव है। यहाँ पे पर्सन में क्या क्या इंक्लूड है? सबसे पहले इंडिविजुअल, जैसे कि आप और हम, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF, अ कंपनी, अ फर्म एंड AOP और BOI वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, अ लोकल अथॉरिटी एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जैसे कि एन आइडल और डाइटी। वी मे ब्रीफली कंसिडर सम ऑफ द अबव 7 कैटेगरी ऑफ SSC ईच और विच कॉन्स्टिट्यूट अ सेपरेट यूनिट ऑफ असेसमेंट। सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करते हैं। इंडिविजुअल का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन, जैसे आप और हम, ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों को कवर किया जाता है। ऐसा नहीं है इंडिविजुअल यानी कि आप जो है एक पर्सन हो, नेचुरल पर्सन हो, ह्यूमन बींग हो, और इसमें मेल, फीमेल एंड अदर थर्ड पार्टी को भी यहाँ इंक्लूड किया जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब इंडिविजुअल की जब बात की जाती है तो वहाँ पे माइनर को भी इंक्लूड किया जाता है, उसको भी एज अ पर्सन देखा जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कई केसेस में माइनर भी इनकम कमा रहे हैं, और आजकल तो माइनर जो है तेरी काली काली दो अखियां करके भी बहुत पैसा कमा रही है, तो उनके पास भी जो है पैसे बहुत ज़्यादा है, तो उनको भी जो है इनकम टैक्स भरना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप माइनर हो तो जैसे कि आप कोई भी जो है जुल्म करके बच जाते हो बिकॉज आप माइनर हो, तो ऐसा नहीं है कि आप इनकम कमा के भी बच जाओगे कि आप माइनर हो। नहीं, आप अगर माइनर हो तो भी आपकी कमाई गई इनकम पर टैक्स भरा जाएगा, या तो वो क्लबिंग करके भरा जाएगा या आप ही के द्वारा भरा जाएगा। क्लबिंग क्या होती है हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, आप जा करके देख सकते हैं, या फिर उनको खुद भी भरना पड़ सकता है, जैसा भी केस उनका बनता होगा। तो इसीलिए इंडिविजुअल में माइनर को भी इंक्लूड किया है गया है, एज वेल एज वो पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड होते हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। बट द असेसमेंट इन सच इन केस मे बी मेड अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 ऑन द गार्जियन और मैनेजर ऑफ द माइनर और ल्यूनेटिक। यानी कि जब असेसमेंट की जाएगी इन माइनर्स की, या जो भी माइनर है उसकी अगर असेसमेंट हो रही है, उसका अगर इनकम देखा जा रहा है और उस पर जो टैक्स भरना पड़ेगा वो किसके को जो है उसको असेसमेंट करना पड़ेगा, वो गार्जियन देखेगा, गार्जियन के चीज़ें संभालेगा, या फिर जो अगर ल्यूनेटिक का केस है तो वहाँ पे उसका मैनेजर उस चीज़ को देखेगा। लेट सपोज कोई व्यक्ति डिसीज्ड हो गया है, कोई भगवान को प्यारा हो गया है, तो उसका जो असेसमेंट होगा वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। भैया ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है पिछले साल पूरा पैसा कमाए और इस साल जब टैक्स भरने की बारी आए तो आप जो है ड्यू डेट से पहले ही भगवान को प्यारे हो गए हो, तो अब आप तो कहोगे कि अब मेरे से कोई क्या ही पूछे।
पूछेगा मेरे को, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पर रूल बना रखा है, उसने पहले से ही जो है एक ऐसा सेक्शन इंसर्ट किया गया है, रूल बना दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है निकल लेता है, भगवान को प्यारा हो जाता है, तो उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा या फिर उसके बाद जिसको भी उसकी सारी एक तरीके से उसकी प्रॉपर्टी मिल रही है या जो चीज़ें उसकी मिल रही हैं, उस इंसान की ये लायबिलिटी होगी कि भैया उसने जो भी पिछले साल इनकम कमाई थी जो निकल लिया, तो उसके बेस पे तुम जो है टैक्स भरो। तो ये चीज़ जो है उस केस में आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट इज़ योर HUF। HUF के बारे में भी अभी हम देखते हैं। HUF क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इनकम टैक्स के अंदर HUF को एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे देखा जाता है असेसमेंट के पर्पस से। HUF नॉर्मली होता क्या है, जब एक पूरी फैमिली मिलकर के एक बिजनेस के तौर पे अपने आप को रजिस्टर कर लेती है, तो एक तरीके से वो कहती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जो भी व्यक्ति उसमें नया पैदा होता है, वो ऑलरेडी पैदा होते ही उसको जो है उसकी मेम्बरशिप मिल जाती है। इट इज़ इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द पर्सन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। अब जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे देखा गया है, साथ ही साथ जो है उसको पर्सन में भी इंक्लूड किया गया है। द लेवी ऑफ इनकम टैक्स इज ऑन एवरी पर्सन। अब ये क्या है, इनकम टैक्स की जो लेवी होती है एवरी पर्सन, हर पर्सन पे होती है। तो पर्सन माने पहला सबसे पहले इंडिविजुअल पड़ा, अब दूसरा क्या है HUF, तो इनके ऊपर भी जो है इनकम टैक्स की एक लेवी होगी। Therefore, income tax is payable by a HUF. HUF को भी इनकम टैक्स जो है पे करना पड़ता है। एंड हिंदू डिवाइडेड फैमिली हैज़ नॉट बिन डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अब HUF क्या होगा, किसको माना जाएगा, वो अलग से डिफाइन नहीं किया गया है हमारे इनकम टैक्स के एक्ट में। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जब बनती है, कैसे बनती है, वो सब जब आपके दूसरे एक्ट्स में डिफाइंड है, उसके तहत अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का स्टेटस रखते हो, तो आप इनकम टैक्स में भी अपना HUF का स्टेटस रखोगे। सो द एक्सप्रेशन इज हाउएवर डिफाइंड अंडर द हिंदू लॉ एज अ फैमिली विच consist of all males linearly deceased from a common ancestors and includes their wives and unmarried daughters। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अंडर हिंदू फैमिली जो है एज अ फैमिली जब आप एक्सप्रेशन रखते हो विच कंसिस्ट, सारे वहाँ के मेल, उसके फीमेल्स, वहाँ की अनमैरिड डॉटर्स एंड आपकी जो है एक तरीके से वाइफ जो भी वहाँ की है, वो सारे एक कह सकते हो HUF का हिस्सा हो जाते हैं। द रिलेशन ऑफ HUF डज नॉट अराइज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट बट अराइज फ्रॉम स्टेटस। अब जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो स्टेटस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बनता, बल्कि ये स्टेटस से बनता है। कैसे, इसका मतलब क्या है, मान लो मैं अलग फैमिली से हूँ, आप अलग फैमिली से हूँ, हम कहते हैं चलो मिलकर के एक HUF बना ले, तो ऐसे नहीं होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और HUF बन गया। यहाँ पे कोई स्टेटस होना चाहिए कि भाई वो पूरी फैमिली होनी चाहिए, वो जो है हस्बैंड वाइफ बच्चे, ये एक स्टेटस के तौर पे जो है रिलेशन वहाँ पे होने चाहिए। अ हिंदू इज बॉर्न इनटू अ HUF, अगर कोई हिंदू जो है बॉर्न हुआ है इन HUF, अ मेल मेंबर कंटिन्यूज टू रिमेन अ मेंबर ऑफ अ फैमिली अंटिल देयर इज अ पार्टनर ऑफ द पार्टीशन ऑफ अ फैमिली। जो उसका मेल मेंबर होगा वो जो है वहाँ का HUF का मेंबर हमेशा रहेगा जब तक उसका पार्टीशन नहीं हो जाता। आफ्टर द पार्टीशन ही सीज टू बी मेंबर ऑफ वन फैमिली। ठीक है, अब जब पार्टीशन हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सिर्फ एक मेंबर बन के रह जाएगा उस फैमिली का। However, he become a member of another smaller family। और उसके बाद क्या होता है, वो सिर्फ एक smaller family का member बन के रह जाता है। जैसे सिर्फ एक तीन चार भाई हैं, उनका HUF चल रहा है, तो वो क्या है, वो एक HUF के तौर पे है, लेकिन जैसे ही पार्टीशन हो गया तो उनकी अपनी अपनी फैमिली है, अपने बीवी बच्चे वाली है। अ फैमिली मेंबर सीज टू बी अ मेंबर ऑफ HUF इन विच शी वॉज बॉर्न व्हेन शी गेट मैरिड। एक जो है फीमेल मेंबर जब वो HUF की मेंबर होती है तब तक ही रहती है जब तक वो मैरिड नहीं हो जाती। जैसे ही वो बॉर्न होती है उसको मेंबर का एक स्टेटस मिल जाता है, पर जब वो मैरिज हो जाती है तो वो उस फैमिली की जो है मेंबर नहीं रहती, बल्कि दूसरे फैमिली की मेंबर हो जाती है। देयर आफ्टर शी बिकम अ मेंबर ऑफ HUF और हर हस्बैंड, जो भी उसके हस्बैंड का अगर HUF होगा तो उसकी मेंबर बनेगी। सम मेंबर ऑफ द HUF आर कॉल्ड को पार्टनर। कुछ मेंबर्स जो होते हैं HUF के, उसको बोला जाता है को पार्टनर। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड टू द हेड ऑफ द फैमिली। अब ये क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और हेड ऑफ द फैमिली से रिलेटेड होते हैं। HUF कैन कंटेन मैनी मेंबर्स। HUF में जो है काफ़ी लोग इंक्लूड हो सकते हैं, बट मेंबर्स विद 4 डिग्रीज इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द कर्ता आर कॉल्ड को पार्टनर। पर जो
मेंबर 4 डिग्रीज इंक्लूडिंग होते हैं आपके कर्ता के। कर्ता कौन है? जो मेन व्यक्ति, सबसे बड़ा व्यक्ति है फैमिली का, जो कि एचईएफ का कर्ता है, उसके जो 4 डिग्री वाले जो मेंबर्स होते हैं उनको को पार्सनर कहा जाता है। हिंदू को पार्सनरी इंक्लूड दोज पर्सन हु एक्वायर बाय बर्थ एंड इंटरेस्ट इन टू जॉइन कॉप्रेंसिस प्रॉपर्टी। ओनली द को पार्सनर्स हैव अ राइट टू पार्टीशन। सिर्फ को पार्सनर को राइट होता है कि वो पार्टीशन करवा सकते हैं। ऑन द को पार्सनर हैव द राइट टू पार्टीशन। अ जैन इन अनडिवाइडेड फैमिली वुड ऑल्सो बी असिस्ट एज एचयूएफ, एज जैन्स आर ऑल्सो गवर्न बाय द लॉज एज हिंदू। एक जैन अनडिवाइडेड फैमिली जो है उसको भी एक एचयूएफ का असिस्ट मिल सकता है, क्योंकि उनको भी जो है हिंदूज के जो आपका एक्ट है उसके तौर पर हिंदूज की तरह कवर्ड किया गया है। नेक्स्ट इज योर कंपनी, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 17। अब कंपनी क्या होती है? फॉर ऑल द पर्पस ऑफ द एक्ट ऑफ द टर्म कंपनी हैज़ अ मच वाइडर कॉनोटेशंस दैट द अंडर द कंपनीज एक्ट। अंडर द एक्ट द एक्सप्रेशन कंपनी मीन्स, कंपनी का मतलब क्या है? जो कंपनीज एक्ट के तहत जो है रजिस्टर्ड हो, जिसको अलग अपना स्टेटस मिला हो, सेपरेट लीगल एंटिटी रखती हो, उसका अपना जो है एक तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर देखा गया है। तो कंपनी को भी जो है पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। एनी इंडियन कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 और एनी बडी कॉरपोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड बाय अंडर द लॉज ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया। एनी फॉरेन कंपनी, यहाँ पे फॉरेन कंपनी भी है, इंडियन कंपनी भी है। एनी इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट जो कि एक तरीके से अपने आप को रजिस्टर करा रखा है एज अ कंपनी। एसोसिएशन और बॉडी विच इज असेसेबल और वॉज असिस्ट एज अ कंपनी और द असेसमेंट ईयर अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922 वाला और फॉर एनी असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 1970 अंडर द प्रेजेंट एक्ट और एनी इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे वही बात बोली गई है, वो सारे इंस्टीट्यूशन जो किसी भी इनकम टैक्स जो कंपनीज एक्ट जो कि पहले चलते थे या आप चल रहे हैं, अगर किसी में भी उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया था तो उन सबको कंपनी का दर्जा मिलेगा। फर्म क्या होती है? फर्म यानी कि फर्म पार्टनर्स वाली फर्म, पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पे जो है दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर के आते हैं और जो है काम कोई एक बिजनेस या फिर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे जो है आपका LLP भी इंक्लूड किया जाता है और नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म भी इंक्लूड की जाती है। तो अगर आपका पार्टनरशिप एक्ट के तहत आपने अपने आप को रजिस्टर करा रखा है और फर्म का काम कर रहे हो तो आपको जो है इस कैटेगरी में रखा जाएगा, आपको भी टैक्स भरना पड़ेगा। और साथ ही साथ LLP जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्हेन पर्सन कंबाइंड टुगेदर फॉर प्रमोशन ऑफ जॉइंट एंटरप्राइजेस दे आर असेसेबल एज एन AOP। AOP क्या होता है? जहाँ पे दो से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, टुगेदर एक साथ आते हैं और प्रमोशन करते हैं जॉइंट एंटरप्राइजेस का। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन मस्ट जॉइन इन अ कॉमन पर्पस कॉमन एक्शन एज देयर ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रोड्यूस इनकम। इट इज़ नॉट इनफ दैट द पर्सन रिसीव द इनकम जॉइंटली। उनका जो है एक साथ आना के पीछे जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इनकम प्रोड्यूस करना, ना कि ये कि जॉइंटली इनकम रिसीव भी करना। सिर्फ इनकम जो है प्रोड्यूस करना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, चाहे रिसीव जो है आपको अलग अलग हो रहा हो। ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, देखिए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इट डोनेट्स द स्टेटस ऑफ पर्सन लाइक एग्जीक्यूटर और ट्रस्टी हु मेरली रिसीव द इनकम जॉइंटली। यानी कि यहाँ पे किसको डोनेट किया गया है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की पर्सन लाइक एग्जीक्यूटर और ट्रस्टीज जो होते हैं आपके, वो इन रिसीव हो रही है इनकम जॉइंटली उनके द्वारा। हु मे बी असेसेबल इन लाइक मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज द बेनिफिशियरी इंडिविजुअल। द को एग्जीक्यूटर और को ट्रस्टी आर असेसेबल एज अ BOI एज देयर लिटिल एंड इंटरेस्ट आर इनडिवाइजेबल। इनकम टैक्स शेल नॉट बी पेबल बाय एन SSC इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ शेयर ऑफ इनकम बाय हिम फ्रॉम BOI and on which the tax has already been paid by such BOI. BOI द्वारा अगर कोई टैक्स पे कर दिया गया है तो उसके द्वारा मिली गई इनकम पे जो है आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लोकल अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट की जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे म्यूनसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बोर्ड ऑफ पोर्ट कमिश्नर, जो लोकल अथॉरिटीज़ आपकी होती हैं।
ये 7 पॉइंट आपके ऐसे हैं जिनको पर्सन की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन इनके अलावा भी बोला गया है आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि जो चीज़ें ऊपर नहीं कवर हुई हैं, अगर कल को उठ के कोई ऐसा आ जाता है जो कहता है कि आपने तो हमें कवर ही नहीं करा तो हम क्यों इनकम टैक्स दें, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी एक रूल बना दिया कि वही जो है एक पॉइंट इंसर्ट कर दिया कि इनके अलावा भी अगर कोई बचता है तो वो इसमें आ जाएगा। तो यानी कि सारी चीज़ें अब कवर हो गई, बट अगर स्टिल जो फ्यूचर में चीज़ें चेंज हो रही हैं तो अगर कुछ पॉइंट ऐसा उठ के आता है तो उनको यहाँ कवर कर लिया गया है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।